नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। संगठनात्मक टीम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया है। बिहार के 5 शीर्ष नेताओं को टीम में जगह मिली है। सर्व श्री राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। शाहनवाज, रूढ़ी, मयूख, गुरुप्रकाश को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। कल यानी सोमवार को चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर आएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की टीम अगुवाई करेंगे और टीम के 28 सदस्य बारीकी से बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जायजा लेंगे। एनडीए तथा महागठबंधन के साथ अन्य सभी दलों की इस बार परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। टिकटार्थियों की लंबी कतार के बीच तथा कथित समर्थक भी कूद पड़े हैं। पार्टियों के लिए अपने समर्थकों को ही संभालना कठिन हो रहा है। आज सूबे के 11 शहरों में जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन होने से सड़कों पर सुबह और शाम भीड़ बढ़ी रही। दोनों पालियों में आयोजित परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल 72 केंद्र यहां बनाए गए हैं, जिनमें केवल पटना में बने 25 केंद्रों पर काफी गहमागहमी देखी गई। राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित जयप्रभा ब्लड सेंटर में लोगों को आवश्यकता होने पर मुफ्त में प्लाज्मा मिलेगा। इस व्यवस्था के लिए राज्य सरकार गंभीर है। आज से ही यह सुविधा बहाल कर दी गई है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी है। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्लाज्मा डोनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। जिस किसी भी दल का झंडा, पोस्टर, बैनर निजी मकानों पर लगे हैं, उन्हें हटाने का काम तेजी से किया जाने लगा है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार निर्देश की अवहेलना करने वाले दंड के भागी होंगे। पटना जिले में निर्वाचन कार्य के लिए कुल 11,683 वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इस काम के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिन्हें निर्धारित भुगतान भी दिए जाने का प्रावधान है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही दशहरा और दीपावली पर्व आ जाने और कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुनाव काम में लगाए जाने के चलते महंगाई न बढ़ने पाए, यह भी जरूरी है। सूबे के सभी डीएम को इस बाबत चौकस रहने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण को लेकर भी सभी जिला प्रशासन चौकस है। मास्क नहीं लगाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यहां तक कि ऑटो रिक्शा समेत निजी वाहनों पर भी मास्क लगाकर ही बैठना अनिवार्य है। इस बीच अवहेलना करने वाले लोगों से दंड वसूली की गई। पटना शहर को 600 सेक्टर में बांटा गया है और इसके लिए अफसरों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए की जाने वाली व्यवस्था के तहत सभी बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। पटना जिले की सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी निर्वाची अधिकारी बनाए गए हैं। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।